Hello everyone, subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos. Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Beautistan Tips and Reviews. मैं हूँ आलिया अली. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. तो आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मुझे 2 से 3 दफ़ा पहले भी इस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट आई थी, बट रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम श्रद्धा है, उन्होंने मुझे एक मैसेज टाइप किया था कि काइंडली आप ये बता सकती हैं कि जो ओरिफ्लेम का पाउडर है वो बाकी पाउडर से मुख्तलिफ क्यों है, क्या ये वाकई काम करता है. तो ये तमाम चीज़ें आज वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए अभी चल के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. ये है वो ओरिफ्लेम का दिवन एलो स्किन पाउडर. इसका रिव्यू शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊँ, जो पाउडर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं, फुल कवरेज, मीडियम कवरेज, लो कवरेज, और कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका जो फेस है उसको बेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. उनके अंदर किसी भी तरह का कोई ख़ास कलर नहीं होता, ना ब्राउन, ना वाइट, ना पिंक. वो जस्ट आपके मेकअप को बेक करने के लिए, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए होते हैं. वन बाय वन मैं अगर आपको आपके साथ शेयर करूँ पाउडर की कंसिस्टेंसी पाउडर के बारे में, तो ये देखिए मेरे पास डिफरेंट ब्रांड के थोड़े 2-3 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पाउडर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. मेन क्वेश्चन है कि ये जो ओरिफ्लेम का पाउडर है ये बाकियों से डिफरेंट क्यों है. तो मैं सच्ची बात बताऊँ, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता. तमाम जो पाउडर्स हैं उनका एक ही काम होता है. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कुछ पाउडर फुल कवरेज देते हैं जो कि आपको फ्रेश लुक भी देते हैं. कुछ की जो को थोड़ा सा उनकी पावर होती है, आप स्टेइंग पावर आपके फेस पे, वो जल्दी उठ जाते हैं. कोई भी पाउडर हो उठ तो सारे ही जाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली वो एक पाउडर है. बट इनकी फिर भी जो इनकी थोड़ी सी जो लास्टिंग पावर है वो थोड़ी सी अच्छी होती है. आप मैक का ले लें, वो भी ब्राउन का ले लें, या किसी और जितने महंगे महंगे ब्रांड के आप लेते जाएंगे, उनका काम सिर्फ एक ही होगा, या तो वो आपके मेकअप को सेट करेंगे, या फिर आप उसको अगर उनकी फुल कवरेज है तो आप उनको बिना मेकअप बेस के भी यूज़ कर सकते हैं. सेम उसी तरह ये जो पाउडर है ओरिफ्लेम का, ये एक फुल कवर. आप कोई बेस अप्लाई नहीं करते, आपकी स्किन क्लियर है, ऑयली स्किन है आपकी, तो अगर आप इस बेस को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो आपको फुल कवरेज देगी, आपका जो फेस है वो बिल्कुल फ्रेश कर देगा. ये पाउडर लॉन्ग लास्टिंग आपके फेस पे शाइन ग्लो रहेगी. और अब जैसे ये मेरे पास पाउडर है, इसका काम भी क्या है, आपके फेस को बेक करना. अब ये देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है. ये मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ, ये देखिए. तो ये देखिए, ये भी आपको कवरेज देगा फेस पे. उसी तरह से ये भी पाउडर है जो कि ये है मेरे पास मेडोरा का, बहुत रीजनेबल प्राइस में है. इसकी भी ये देखें, इसके साथ पफ है. इसके साथ ही मैं आपको लगा के थोड़ा सा चेक करवाती हूँ, ये देखिए इसकी कवरेज भी आप देख सकते हैं किस तरह की है. और अब उसके बाद है ये ओरिफ्लेम का पाउडर, इसको भी मैं लगा के चेक करवाती हूँ आपको. ये देखिए, अब इन तीनों का काम देखें तो एक सा है, और ये लगने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे हैं. हम इनका सेम यही है, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, अगर वो आप पे सूट नहीं करती तो वो बेकार हैं. तो इसी तरह से बहुत कम जो चीप चीज़ें होती हैं वो किसी के फेस पे सूट कर जाती हैं, तो वो बहुत बेस्ट हैं. आप ये मत सोचें कि ये तो चीप है, सस्ती है, बस आपके फेस पे सूट करने की बात है. ये देखिए, अब जैसा कि ये है मेडोरा का कॉम्पैक्ट पाउडर, सस्ता पाउडर है ये मेडोरा का है, जो कि 110 रुपीज़ का है, और ये चीप नहीं है. ये बहुत सी लड़कियों को सूट करता है, और अक्सर के पास ये है और यूज़ कर रही हैं, तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन. अगर आपको ये सूट करता है आप इसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है. वहीं पे इस तरह के जो पाउडर हैं, कुछ गर्ल्स को ये सूट करते हैं तो वो ये वाले यूज़ करती हैं. वहीं पे ये है मेरे पास ओरिफ्लेम का, जो है ओरिफ्लेम का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं इसको सिंपली भी यूज़ करती हूँ. स्पेशली जब गर्मी हो बहुत ज़्यादा तो फेस पे कुछ अप्लाई करने को दिल नहीं करता, तो उस वक्त ये पाउडर जो है वो बहुत काम
आते हैं इस तरह के जो पाउडर्स हैं। मैं भी इसको यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो इसको मैंने कितना ज्यादा यूज किया हुआ है। इस पाउडर को लगाने से आपको एक तो अपने फेस पे फुल कवरेज मिल जाती है, बेस की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी जो स्किन है वो क्लियर है। बाकी इसका जो प्लस पॉइंट है वो है SPF, वो इसके अंदर 15 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सूरज से भी महफूज रखेगा। ना चाहो इसको ले सकते हैं, बुरा नहीं है, अच्छा पाउडर है। मैंने भी इसको यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद है ये पाउडर, मेरा बहुत फेवरेट पाउडर है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और ऑप्शन भी देख सकती है। थोड़ा सा प्राइसी है, इसकी प्राइस जो है वो 1299 यानी कि 1300 है। अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ज़रूर बाय करें और इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर मेंशन करिए, 12 मंथ तक आप इसको, एक साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 3 तरह के शेड्स अवेलेबल हैं, मीडियम टू लाइट ही हैं, डार्क स्किन के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो उनके डार्क स्किन के लिए मैं यही कहूँगी कि इसको मत बाय करें, ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और मज़ीद ओरिफ्लेम के 2 पाउडर्स आपको मिलेंगे, एक तो ये जो कि फुल कवरेज आपको देगा, और जो दूसरा है वो जस्ट आपका जो मेकअप है वो बेक करने के लिए है। तो आप दोनों अपनी च्वाइस से देख के आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑनेस्टली एक बात कहूँगी, अगर आप इजीली बाय कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर बाय करें, वरना आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। बहुत से और भी पाउडर्स ऐसे हैं जो आपको फुल कवरेज देते हैं और आपको कम रेंज में भी मिल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, उनकी जो स्टेइंग पावर है उनकी भी काफ़ी अच्छी है। तो गर्ल्स, आई होप ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही होगी और मेरा जो पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो में मिलते हैं नई बातों के साथ, नए रिव्यूज़ के साथ। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।